नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन के हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आप लोग के साथ दही जमाई को विधि शेयर करे जाते हैं। अक्सर हम लोग घर में दही जमाई ला जाए तो डेयरी वालों की तरफ से बढ़िया ना दही जम के तैयार हो ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दही एकदम डेयरी वालों की तरफ से बढ़िया जम के तैयार हो लिया। तो ऐसे दही जमाई के लिए वीडियो अब तक देखत रहे, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ऐसे दही जमाई के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1.5 लीटर भैंस का दूध ले ले आए, और इसे हम धीमी आंच पर गैस खोल के गर्म कर ले। और जब ये दूध में अच्छा सा उबाल आ जाए तो चम्मच की सहायता से हिला दें ताकि आपका दूध बाहर न बहे। और दही जमावे के लिए सबसे बढ़िया भैंस का दूध होला, कैसे कि भैंस के दूध में दही बहुत अच्छा जमे ले। आप चाहे तो गाय के दूध से भी दही जमा सकेला, या फिर पैकेट वाले दूध से भी दही जमा सकेला, लेकिन भैंस के दूध से यदि दही जमाए तो उसका स्वाद एकदम डेयरी वाले दही की तरह से आवेला। और जैसे ही दूध में अच्छा उबाल आ जाए तो उबाल आवे के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर दूध के खौले दें। 20 मिनट के करीब हो गया, अब गैस के हम बंद कर देते हैं और दूध के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फिर ढक्कन इस तरह से लगाएं कि एक तरफ से भगोना का मुंह खुला रहे ताकि उनमें का भाप बाहर निकलत रहे। तो अब एक घंटा के करीब हो गया तो हाथ के अब एकदम साफ से धो के उन्हें उंगली डाल के देखे गया कि दूध का तापमान जोरन डाले लायक है कि ना। तो यदि उंगली में हल्का हल्का गर्म लगे तो समझ लें कि आपका दूध बढ़िया गर्म है जोरन डाले लायक। तो यहाँ पर हम जोरन डाले के लिए थोड़ा सा पानी ले लें और इनमें थोड़ा सा हम जोरन मिला लेते हैं, और जोरन के मिला के बढ़िया से घोल के और इनमें डाले के हैं। तो जोरन डाले के समय विशेष ध्यान देवे के यही, यदि आप दही की मलाई का जोरन लेते हैं तो आपका दही एकदम मीठी बन के तैयार हुई डेयरी वालों की तरफ से। तो यदि आप दही बहुत खट्टी ना मीठी जमावल चाहते हैं तो दही के मलाई वाला भाग जोरन के रूप में डालें, तो आपका दही एकदम मीठी बढ़िया डेयरी वालों की तरफ से जम के तैयार हो। और अब एक ढक के 5 से 7 घंटा के लिए रख देवे के है। तो अब 8 घंटा के करीब हो गया, और यहाँ पर हम खोल के देखते हैं कि हम लोग का दही कैसा जमल है। तो यदि आपका दही बढ़िया जम जाती है तो फ्रिज में उठा के रख दें, पर यहाँ पर दही थोड़ा सा ठीक ना जमल है, थोड़ा पतली या हिलत है, तब गैस के हम धीमी आंच पर खोल लेते हैं और इसे मोटी तली का बर्तन रख देवे के तवा या कढ़ाई, और इसे 5 मिनट तक हल्का गर्म कर लेवे के है। और जब ये हल्का गर्म हो जाए तवा, तो इसे जो दही वाला बर्तन है भगोना ओके तवा पर धीरे से रख दें और अब गैस के बंद कर दें, और कम से कम आधा घंटा तक ये भगोना के तवा पर रहे दें। और जब आपका दही थोड़ा सा जम जाए तो उसे उठा के फ्रिज में रख दें, 5 से 7 घंटा के लिए फ्रिज में रख दें, तो आपका दही एकदम बढ़िया जैसे डेयरी वालों का दही जमे ले उस तरह से जम के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आधा घंटा के करीब हो गया, अब एक हम रख देते हैं फ्रिज में। 8 घंटा के बाद हम फ्रिज में से दही के निकाल ले लें, और दही हमारे कुछ इस तरह से जम के तैयार भ लिया। तो अब एक किनारा हम मलाई का थोड़ा भगोना से अलग करके आपके दिखा देते हैं कि हमारा दही कितना अच्छा जम के तैयार भ लिया और इस पर मलाई कितना मोटी जमा लिया। तो यदि आप फ्रिज में से दही निकालत हैं तो उसका तुरंत सेवन न करें, कम से कम फ्रिज में रखल सामान आधा घंटा बाहर कमरे के तापमान पे रख के तब उसे खाएं, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दही कितना बढ़िया डेयरी वालों की तरफ से जम के तैयार भ लिया, और मलाई भी काफ़ी मोटी पड़ लिया। तो दही के खाल तो बहुत ही लाभदायक होला, लेकिन यदि आप दही के किसी मीठा चीज़ के साथ खाते हैं तो उसका लाभ और दुगना हो जाला। तो यहाँ पर हम दही के गुड़ और मिश्री के साथ सर्व कर ले हैं। तो दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होला और गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होला। तो दही में गुड़ मिला के खेले से कैल्शियम और आयरन दोनों मात्रा का पूर्ति हो जाए। और यहाँ पर हम दही में थोड़ा सा मिश्री का भी इस्तेमाल कर ले हैं। तो आपके जौन पसंद होगा गुड़ पसंद होगा गुड़ के साथ खाएं, मिश्री पसंद होगा मिश्री के साथ खाएं, दोनों में दही लाभदायक है। तो आशा है कि आप लोगों के हमारे दही जमावे को विधि पसंद आई हुई, और यदि आप लोगों के हमारे वीडियो पसंद आवत है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा पसंद आवत है तो और लोगों के साथ शेयर कर दें। और यदि चैनल पर नया है ऐसा बहुत सारा रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।